कक्षा 12वीं चुंबक और चुंबकत्व तथा चुंबक के गुणों से संबंधित प्रश्न पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम बात करते हैं चुंबक क्या होता है। वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट और निकल को आकर्षित करता है। वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट तथा निकल को आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है तथा चुंबक द्वारा इन चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। ये जो चुंबक द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण कहलाता है चुंबकत्व। जब प्रकृति में लगभग 2000 साल पहले भी हमें चुंबक के बारे में मनुष्य को जानकारी थी और वो जो पत्थर उसे प्राप्त हुआ था वो पत्थर लोहे का एक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड या मैग्नेटाइट था। मैग्नेटाइट की वजह से ही इसे मैग्नेट नाम दिया गया। ये प्राकृतिक चुंबक था और इसका चुंबकत्व बहुत कम होता था। तो चुंबक दो प्रकार के हो गए, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक अगर हम बनाते हैं तो कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के बनाए जा सकते हैं, अस्थायी या इसको विद्युत चुंबक भी कहते हैं जो मुलायम लोहे से बनते हैं। ये मुलायम लोहे के टुकड़े के ऊपर तार की कुंडली बनाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इस मुलायम लोहे में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ये अस्थायी होते हैं, इसमें जब तक हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब तक ही चुंबकत्व का अस्तित्व रहता है। दूसरे है स्थायी चुंबक जो निकिल या कोबाल्ट से बने होते हैं। अब हम बात करते हैं चुंबक के गुणों से संबंधित। इन विभिन्न गुणों को हम प्रयोग के आधार पर साथ में देखते जाएंगे। सबसे पहला गुण है इसका आकर्षण का गुण। चुंबक का महत्वपूर्ण गुण है आकर्षण का गुण। ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए यहां पर हमारे पास कुछ चुंबकीय पदार्थ हैं। ये मेरे पास एक चुंबक है, यहां पर देखिए मैं इसके पास ले गया तो ये चिपक गया, ये चिपक गया, ये चिपक गया, ये तो ये चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये इसका कहलाता है आकर्षण का गुण। दूसरा गुण है दैशिक गुण यानी दिशा से संबंधित। यदि हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांधकर लटकाएं और लटकाने के बाद यदि हम इसको छोड़ते हैं तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ये इस तरफ की दिशा नॉर्थ है और इस तरफ साउथ दिशा है। ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा अगर वो उसके अंदर चुंबकत्व का गुण है तो। यह है दिशिक गुण। तीसरा गुण है सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण का गुण। ये जो गुण है हम इसको समझने के लिए हमने दो चुंबक लिए यहां पर और उससे आपको समझा रहा हूं। इनमें ये देखिए ये नॉर्थ के पास नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव हम लाए हैं तो ये प्रतिकर्षित कर रहा है एक दूसरे को। अब यदि हम ध्रुवों को पलट दें यानी साउथ के पास साउथ, दक्षिण के पास दक्षिण ध्रुव लाते हैं तो भी प्रतिकर्षण करता है। अब यदि हमने नॉर्थ के पास साउथ लाया यानी विजातीय ध्रुवों में आकर्षण, फिर से पलट देते हैं, ये साउथ और ये नॉर्थ को पास लाते हैं, ये चिपक गया। यानी सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, नॉर्थ टू नॉर्थ एंड साउथ टू साउथ प्रतिकर्षण गुण। इसी प्रकार विजातीय ध्रुव साउथ के साथ नॉर्थ या नॉर्थ के साथ साउथ लाते हैं तो इसमें आकर्षण का गुण होता है। अगला जो गुण है चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। यदि हम किसी चुंबक को किसी चुंबकीय पदार्थ के साथ लंबे समय तक छोड़ दें, इस तरह से रख दें तो इस चुंबकीय पदार्थ में भी चुंबकीय गुण आ जाता है, अस्थायी आता है लेकिन चुंबकीय गुण उसमें उत्पन्न हो जाता है। ये गुण इसको प्रेरण द्वारा चुंबक बना देता है। अगला गुण है पांचवा, ये एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि इस चुंबक को मैं यहां बीच में से काट दूं तो ये नॉर्थ साउथ पोल और नॉर्थ पोल को यदि अलग अलग कर दिया जाए तो ये दोनों ध्रुव अलग अलग नहीं होंगे बल्कि इस वाले टुकड़े में पुनः दो ध्रुव और इस वाले टुकड़े में पुनः दो ध्रुव। यानी इधर साउथ है तो इसके पास वाला जो भाग होगा वहां नॉर्थ पैदा हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो इसके पास वाले में साउथ हो जाएगा। हमने इसके प्रयोग को करने के लिए हमने एक चुंबक तोड़ भी दिया है, एक चुंबक को हमने तोड़ दिया है
तो ये तोड़ने में दो अलग अलग इसके ये नहीं हुए, देखो इसमें इसके अंदर फिर से ये चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया है, यानी दो भाग में इसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया है। तो ये जो हम कह सकते हैं कि अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। अंतिम गुण है चुंबक को पीटते हैं, गर्म करते हैं, पटकते हैं या घिसते हैं तो उससे उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है, उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को जरूर बताएं।